आज हम सभी यहाँ हिंदी दिवस के सुअवसर पर एकत्रित हुए हैं। हिंदी मातृभाषा हमारी, दिलों में बसती जान हमारी, भारत को एक सूत्र में बांधती, जन जन की भाषा यह प्यारी। आइए सर्वप्रथम करें हम माँ सरस्वती को याद, सफलता अवश्य मिलती है माँ शारदे के आशीर्वाद के बाद। माँ सरस्वती को मेरा नमन, उनके चरणों में ये चार पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। उठी माति कृपा कोर कर कीनी होर, अरु प्यारी पुचकारी मोर जीवन संहारी दे। ज्ञान के निदान अभिमान प्राण का बीजन ल्याई, और ध्यान मोरे अगुण निकार दे। काव्य गंग घाट बीच बैठी कल्पना के हंस, सोध के विचार स्वर तार जानकारी दे। हेरी हेरी बेरी बेरी कट तुनी होर तोरी, मेरी मात मोहे भव सागर ते तार दे, मेरी मात मोहे भव सागर ते तार दे। माँ सरस्वती के बाद क्यों ना करें हम माता पिता को भी नमन, उनके अथक प्रयासों से ही सार्थक बनता ये जीवन। आ रहे हैं कविताओं के सरताज, वीर धीर गंभीर, संस्कृति के प्यारे अभिराज। उपस्थित सभी जनों को मैं भी राजेंद्र सादर प्रणाम करता हूँ। मैं कुछ पंक्तियाँ माता पिता को समर्पित करना चाहूंगा, जो कवि ओम व्यास जी द्वारा रचित है। मैं सभी श्रोताओं का ध्यान चाहूंगा, सुनेगा। माँ, माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पल्ला है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ, माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ कलम है, दवात है, शाही है। माँ परमात्मा की सया में गवाही है। माँ, माँ परमात्मा की सया में गवाही है। माँ, माँ चूड़ी वाले। सुकर जग के क्लेश, मेरे भारत देश, कृषांत सुमन भी कह रहे हैं मेरे भारत देश। नमस्कार, मैं किसान सुमन कक्षा 10वीं का छात्र आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है मेरे वीरों का देश। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें जन्मे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस हैं। सीना पर तैनात जवानों से ही सुरक्षित मेरा देश है। इससे ज़्यादा क्या कहूँ हमारे देश के बारे में। इसकी प्राचीन गीत ग्रंथ भी ऋग्वेद है। बहती नदियाँ, सुंदर झरने और सभी धर्मों का इसमें समावेश है। महापुरुष की इस पावन धारा पर मंत्रों के उच्चारण से कभी बरसे भी मेघ हैं। जिसने डाली देश पर बुरी नज़र, हमारे वीर जवानों ने कर दिया उनकी छाती में छेद हैं। ए मेरे देश के लोगों, जरा याद करो उनकी भी कुर्बानी, जिन्होंने अपना बलिदान देकर 14 अगस्त 1947 को आज़ाद कराया मेरा देश है। अमित आबा अब लोकित होती जहां में, जहां वीर राणा शिव का घराना, जहां हल्दी घाटी मराठा की माटी, जहां युद्ध भूमि में अमरतबा पाना, जिन्हें प्राप्त है देशभक्ति की शक्ति, जहां स्वाभिमानी जवानी में पानी किया राष्ट्र को। वीरों ने बलिदान दिए तब आज़ादी पाई है, आज़ादी की कीमत समझाने अब साक्षी यादव आई हैं, अब साक्षी यादव आई हैं। समस्त शिक्षक गण एवं मित्रजनों को सादर नमस्कार। मैं संस्कृति विद्यालय की कक्षा 9 सा की छात्रा हूँ। मेरे कक्षा अध्यापक का नाम श्रीमान दीपेश जैन है और मेरा नाम साक्षी यादव है। मैं यहाँ संस्कृति स्वरांजलि के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है आजादी की कीमत। तो मैं यहाँ प्रारंभ करती हूँ। हम क्या जाने क्या है आजादी, हमने कौन सा अंग्रेजों का हंटर खाया है, हमने कौन सा अंग्रेजों का हंटर खाया है। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने इसके लिए अपना सब कुछ गवाया है, जिन्होंने इसके लिए अपना सब कुछ गवाया है। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने हर कदम पर पहरा देखा है, जिन्होंने हर कदम पर पहरा देखा है। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने दिन में भी गहरा अंधेरा देखा है, जिन्होंने दिन में भी गहरा अंधेरा देखा है। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने जीवन काले पानी में गुजारा है, जिन्होंने जीवन काले पानी में गुजारा है। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्हें अपना भारत जान से भी ज्यादा प्यारा था, जिन्हें अपना भारत जान से भी ज्यादा प्यारा था। आजादी की कीमत उनसे पूछो बंटवारे ने जिनका घर तोड़ा था, बंटवारे ने जिनका घर तोड़ा था। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने देश के लिए अपना ही घर छोड़ा था, जिन्होंने देश के लिए अपना ही घर छोड़ा था। आजादी की कीमत उनसे पूछो
जो हंसते हंसते फांसी पर झूले थे, जो हंसते हंसते फांसी पर झूले थे। आजादी की कीमत उनसे पूछो जो देश के खातिर सब कुछ भूले थे, जो देश के खातिर सब कुछ भूले थे। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने अपने ही खून से माथे तिलक लगाया है, जिन्होंने अपने ही खून से माथे तिलक लगाया है। आजादी की कीमत उनसे पूछो जो खून से अपने ही लाल को लाल देखकर मुस्काए थे। हा 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 हास्य कविताएं, चलो हम आपको आज हंसाएं। हंसी का बम फटने जा रहा है, अनुष्का जैन का हंसी गुब्बारा आ रहा है। नमस्कार, मैं अनुष्का जैन कक्षा 9वीं की छात्रा आपके सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करने आई हूँ। चलिए तो शुरुआत करते हैं, जैसे सब करते हैं। नमस्कार, सभी यात्रीगणों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखें, जिससे हम नहीं चाहते हमारी खराब कॉमेडी से आप हमारे ऊपर सड़े टमाटर फेंकने। धन्यवाद। सुबह से शाम तक पप्पू जप रहा भगवान का नाम, खा रहा बार बार बादाम, लगा रहा रट्टू राम। घर वाले समझ गए कि नज़दीक है एग्ज़ाम, आ गया एग्ज़ाम, अतः पप्पू का सिर है जाम। पिछली बार जाम हो गए थे याद करने वाले उत्तर, याद हो जाते यदि होते क्लासमेट रिया से सुंदर। किंतु सुंदर सुशील तो थे प्रश्न पत्र के सवाल, मगर पास में बैठी रिया चेहरा जिसका कमाल। कमाल था उसका नूर, धमाल थी उसकी बातें, पप्पू जी के देखते देखते 3 घंटे यूं ही कट जाते। 3 घंटे के मनोहारी पल ने दिया 3 नंबर का जलवा, एग्ज़ाम बड़ा स्वीट किंतु रिजल्ट आया कड़वा। कड़वे को इस साल पप्पू ने मीठा बनाने में कसी कमर रिया। हिंदी है हम यह जानते हैं, अब जिया को बुलाना, हिंदी का महत्व बतलाने फर्ज अपना मानते हैं। संस्कृति नमस्कार, मैं जिया जीन कक्षा 10वीं की छात्रा आज आपके सामने दिविशा तनीजा जी द्वारा लिखित कविता हिंदी है हम को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वैसे तो हर वर्ष बजता है नगाड़ा, नाम लूँ तो नाम है हिंदी पखवाड़ा। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, कितना अच्छा कितना प्यारा है ये नारा। हिंदी में बात करें तो मूर्ख समझे जाते हैं, हिंदी में बात करें तो मूर्ख समझे जाते हैं, अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन हो जाते हैं। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफ़र हो गया। देसी घी आजकल बटर हो गया, चाकू भी आजकल कटर हो गया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, हिंदी की सबसे हिफाजत चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं नीर भरी दुखी बदली, जब बात हो कभी सम्मेलन की तो भारतीय नारी क्यों पीछे रहे। भारतीय नारी भारत का चैन, नारी के सम्मान में आ रही है स्वस्ति जैन। सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम स्वस्ति कांसल है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक बेहद सुंदर कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है नारी शक्ति। तो मैं शुरू करती हूँ। नारी शक्ति है सम्मान है, नारी गौरव है अभिमान है, नारी ने ही रचा विधान है, हमारा नतमस्तक को प्रणाम है। नारी शक्ति है सम्मान है, यह लक्ष्मी यही सरस्वती यही दुर्गा का अवतार है, यह अनुसूही यह सावित्री यही काली रूप का वैभव है। नारी शक्ति है सम्मान है, लक्ष्मी बाई जैसा साहस इसमें, मीरा बाई जैसा प्रेम है, पद्मावती जैसा जौहर इसमें, दुर्गावती जैसा पराक्रम है। नारी शक्ति है सम्मान है, कदम से कदम मिलाकर चलना, सैन्य पराक्रम में पीछे ना हटना, बुलंद हौसलों का परिचय देकर अरुणिमा और नीरजा का हो रहा गान है। नारी शक्ति है सम्मान है, यही इंद्रा यही सरोजनी यही टेरेसा जैसी नारी है, यही बेदी जैसी कड़क सुष्मिता जैसी प्यारी है। नारी शक्ति है सम्मान है, यही पालनहार हमारी यही हमारी जननी है, इसका कदम है विकास के पथ पर यही हमारे धन की देवी है। नारी शक्ति है सम्मान है, विश्व स्वरूपा जग जननी यही हमारी भार्या यही हमारी अर्धांगिनी, इसके चरणों की रज को मस्तक पे हमने लगाया है, नारी के सम्मान के खातिर एक कदम हमने बढ़ाया है। नारी शक्ति है सम्मान है, नारी गौरव है अभिमान है। धन्यवाद। पूड़ी बेलनी को जैसे बेलन जरूरी होता, पूड़ी खाने को जरूरी जैसे होती कुछ थालियाँ,
रहने को जरूरी जैसे होता एक घर, घरों को जरूरी जैसे होती घर बालियां। महिलाओं को बालियां, दरोगा जी को गालियां, पान में जरूरी जैसे होती कुछ छालियां। वैसे ही हृदय का बंद ताला खोलने के लिए मधु मैम को जरूरी होती श्रोताओं की तालियां। मधु मैम को जरूरी होती श्रोताओं की तालियां। हिंदी विषय की शिक्षिका हमारी कलम जिनकी पहचान, मधु मैम के आ जाने से बढ़ जाएगी कवि सम्मेलन की शान। संस्कृति नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मधु जैन हिंदी शिक्षिका आपको सबसे पहले हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और अब मैं अपनी स्वरचित कविता हिंदी की व्यथा आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जरा ध्यान दीजिए कि हिंदी की क्या क्या तकलीफें हैं और वो हमसे क्या कहना चाहती है। हिंदी हूँ मैं सुनो तुम, हिंदी मैं तुम्हारी। हिंदी हूँ मैं सुनो तुम, हिंदी मैं तुम्हारी। माँ भारती के माथे की बिंदी हूँ मैं प्यारी। माँ भारती के माथे की बिंदी हूँ मैं प्यारी। हिंदी हूँ मैं सुनो तुम, हिंदी मैं तुम्हारी। आई जो जमी हिंद पर उनको पनाह दी। आई जो जमी हिंद पर उनको पनाह दी। अपने गले लगा उन्हें आंचल की छांव दी। अब हूँ वहीं पर आई जिस भूमि पर पली। अब हूँ वहीं पर आई जिस भूमि पर पली। क्या ये ही भूल थी मेरी जिसकी सजा मिली। क्या ये ही भूल थी मेरी जिसकी सजा मिली। क्या ये ही भूल थी मेरी जिसकी सजा मिली। हिंदी हूँ मैं सुनो तुम, हिंदी मैं तुम्हारी। मेरे भूगोल इतिहास की कथा क्या सुनाऊँ। मेरे भूगोल इतिहास की कथा क्या सुनाऊँ। क्या हाल है ये मेरा व्यथा कैसे बताऊँ। क्या हाल है ये मेरा व्यथा कैसे बताऊँ। पाश्चात्यता की होड़ में पहचान निज खोई। पाश्चात्यता की होड़ में पहचान निज खोई। पाश्चात्यता की होड़ में पहचान निज खोई। और माँ भारती दुर्भाग्य पर फिर ऐसे ही रोई। माँ भारती दुर्भाग्य पर फिर अपने यूं रोई। माँ भारती दुर्भाग्य पर यूं अपने फिर रोई। हिंदी हूँ मैं सुनो तुम, हिंदी मैं तुम्हारी। गैरों के क्या कहूँ किया अपनों ने पराया। यहाँ हिंदी बेहद दुखी है और अपने मन की बात हमसे कह रही है। गैरों की क्या कहूँ किया अपनों ने पराया। गैरों की क्या कहूँ किया अपनों ने पराया। सीधा सलो न रंग जिनको मेरा न भाया। सीधा सलो न रंग मेरा जिनको नहीं भाया। अपनी ही जन्म भूमि पर अपनों से हुहारी। अपनी ही जन्म भूमि पर अपनों से हुहारी। भाषा में इस धरा की पहचान तुम्हारी। भाषा में इस धरा की पहचान तुम्हारी। भाषा में इस धरा की पहचान तुम्हारी। हिंदी हूँ मैं सुनो तुम, हिंदी मैं तुम्हारी। अब कुछ अपेक्षाएं वो हिंदी अपने बोलने वालों से रखती है तो कहती है, विश्वास है कि तुम मुझे आबाद करोगे। विश्वास है कि तुम मुझे आबाद करोगे। खोई हुई मेरी असमत को फिर लौटा के मुझे दोगे। खोई मेरी असमत मुझे लौटा के तुम दोगे। होगा तुम्हें भी एक दिन गुमान तुम्हीं पे। होगा तुम्हें भी एक दिन गुमान तुम्हीं पे। और फिर कहोगे शान से हिंदी ये हमारी।
और फिर कहोगे शान से हिंदी है हमारी, सारी जहाँ की भाषा में है सबसे ही प्यारी, सारी जहाँ की भाषा में है सबसे ही प्यारी, हिंदी ये हमारी है, हिंदी ये हमारी, हिंदी ये हमारी है, हिंदी ये हमारी, हिंदी ये हमारी है, हिंदी ये हमारी। धन्यवाद। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान, शिप्रिया करने जा रही हैं कवि सम्मेलन का आह्वान। नमस्कार, मेरा नाम शिप्रिया यादव है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है, दी सीख जिन्होंने धर्म की हमको, तुलसी कबीर संत महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई, हिंदी का महत्व बहुत है, बात ये सबको समझाई। यही है कारण कि इन सब की विश्व में आज पहचान है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। है भाषा ये जनमानस की जो हृदय से सबको जोड़ती है, पढ़ा जाए इतिहास तो ये सभ्यता की ओर मोड़ती है। हर हिंदुस्तानी के दिल में इसके लिए सम्मान है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। बात करे जो लिपि की तो बात ही इसकी निराली है, जैसा लिखते वैसा बोले, पुराना नाम इसी का पौली है। गौतम बुद्ध की रचना का भी इसी भाषा में ज्ञान है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। धन्यवाद। धरती के कण कण से पूछो क्या है मेरा भारत, तान्या की कविता कहती है हर दिल में बसता है भारत। मैं तान्या जैन कक्षा 9वीं से एक कविता प्रस्तुत करती हूँ, मेरा भारत। गर्व है मुझे, मैं भारत में रहती हूँ, गर्व है मुझे, मैं भारतवासी कहलाती हूँ। मेरा देश मेरी पहचान है, तिरंगा मेरे देश की पहचान है। पहचान को न मिटने देंगे, अपने देश पर किसी और का राज न चलने देंगे, हमारे तिरंगे को किसी और के हवाले न होने देंगे। जान भी कुर्बान है देश के लिए, यही हमारा फर्ज है देश के लिए। सड़क पर भी खड़े हो जाएंगे, मौत से भी लड़ जाएंगे, देश के लिए खुद भी कुर्बान हो जाएंगे। इस तिरंगे की सौगंध हमें, इस तिरंगे की सौगंध हमें कुछ कर कर दिखलाएंगे, देश का नाम ऊंचा कर कर दिखलाएंगे। अपने देश पर एक आंच भी ना आने देंगे, देश के लिए देश की मिट्टी मेरी मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हिंदी की जब बात करें तो इन्हें भूल जाएंगे कैसे, आइए देखते हैं नैतिक जी हिंदी की शोभा बढ़ाएंगे कैसे। मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज नैतिक जैन एंड आई एम हियर टू रिसाइट अ पोयम आउट ऑफ लैंग्वेज हिंदी। सो लेट गेट स्टार्टेड। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता का अनुपम स्वरूप है हिंदी। जिसके बिना हिंद अधूरा है वह जीवन रेखा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। थैंक यू। स्वरचित कविताओं में संस्कृति के कवियों की बात अनोखी है। अब सृष्टि रशिया आ रही हैं और स्वरचित कविता के माध्यम से हिंदी की शान बढ़ाने जा रही हैं। संस्कृति नमस्कार साथियों, मैं सृष्टि रुशिया कक्षा 10 की छात्रा आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबके सामने एक स्वरचित कविता पेश करना चाहूँगी। मेरा विषय है हमारी मातृभाषा हिंदी। ए मातृभाषा, तुझे नमन है मेरा, तेरी गाथा मैं क्या सुनाऊँ। जब स्वामी विवेकानंद ने अब शिकागो में अपना भाषण हिंदी में दिया, मैं तो कृत हो गई। मेरा मान उसी क्षण बढ़ गया, मेरा मान उसी क्षण बढ़ गया जब स्वामी जी ने अपने मुख से तेरा गुणगान किया। उसी कड़ी को आगे अटल जी ने था बढ़ाया, उसी कड़ी को आगे अटल जी ने था बढ़ाया। गदगद कर दिया हमको संयुक्त राष्ट्र को भाषण हिंदी में सुनाया, गदगद कर दिया हमको संयुक्त राष्ट्र को भाषण उनने हिंदी में सुनाया। ए मातृभाषा, तेरी गाथा मैं क्या सुनाऊं। धीरे धीरे निराला जी, दिनकर जी, सुभद्रा चौहान जी सबने तुझे अपना कर तुझमें चार चांद लगा दिए। राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त, श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने तुझे राष्ट्र के मस्तक पर सजा दिया। तेरी गाथा मैं क्या सुनाऊं, तुझे तो राष्ट्रीय संत
हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नदी की तेज धारा बनाकर हर गांव, ग्राम, कस्बे में स्थापित कर तुझे पूरे भारत में फैला दिया। ऐ मातृभाषा, तेरी गाथा मैं क्या सुनाऊं। जैसे जैसे तू बढ़ती गई तुझे लोगों ने अपनाया। ऐ हिंदी, तेरी गाथा मैं क्या सुनाऊं, तू तो हर हिंदुस्तानी के रोम रोम में बसती है। जय हिंद, जय भारत। प्रकृति का हम सब पर है बड़ा एहसान, मुस्कान रघुवंशी आ रही है करनी प्रकृति का गुणगान। गुड मॉर्निंग सर, मैम एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई एम मुस्कान रघुवंशी फ्रॉम क्लास 10th वी हियर फॉर प्रेजेंटिंग अ कविता ऑन प्रकृति। प्रकृति की लीला न्यारी, कहीं बरसात पानी बहती नदियाँ, तो कहीं उफनता समुद्र है, तो कहीं शांत सरोवर है। प्रकृति का रूप अनोखा, कभी कभी चलती सरसर हवा है, तो कभी मौन हो जाती है। प्रकृति की लीला न्यारी, कभी गगन नीला पीला लाल हो जाता है, तो कभी काले सफ़ेद बादलों में गिर जाता है। प्रकृति की लीला न्यारी, कभी सूरज रोशनी से जग रोशन करता है, तो कभी अंधेरी रात में चांद तारे टिमटिम करते हैं। प्रकृति की लीला न्यारी, कभी सूखी धरा धूल उड़ाती है, तो कभी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। प्रकृति की लीला न्यारी, कहीं सूरज कोने में छुप जाता है, तो दूसरे कोने से निकलकर चौंका देता है। प्रकृति की लीला न्यारी। थैंक यू मैम एंड सर।